नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक और प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी की, जो हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन मतलब कि जिसमें कि आप इंडिकेटर्स वगैरह का कुछ भी यूज नहीं करते, और जो प्राइस मार्केट का प्राइस होता है उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट फाइंड करते हो, उसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। यानी कि उसमें हम प्राइस देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि एक पर्टिकुलर पीरियड का हाई लो हमने कैप्चर कर लिया, और जैसे ही हाई ब्रेक होता है और कैंडल क्लोज होती है तो हम बाय करते हैं, और लो ब्रेक होता है कैंडल क्लोज होती है तो हम सेल करते हैं। इसी तरीके से हमारा जो है वो काम करता है प्राइस एक्शन। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों वो होगा एक दूसरी स्ट्रेटजी पे जिसका नाम है इंट्रामैक्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो ऑटोमेटिकली तो कैसे कर सकते हो इंट्रामैक्स इंडिकेटर को यूज करके, और बताऊंगा इंट्रामैक्स इंडिकेटर की खासियत, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं, यानी कि आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के साथ साथ चार्ट रीडिंग भी करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं चार्ट में लाइव सिग्नल्स और अपने हिसाब से स्टॉप लॉस टारगेट कस्टमाइज करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको कैसा लगा, साथ ही साथ कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जाना है हमारे प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है एल्गो क्रैब और वेबसाइट का नाम है www.algocrab.com। जब आप algocrab.com पर जाते हैं तो वहां आपको सबसे ऊपर सीधे हाथ पे बटन मिलते हैं साइन अप और लॉग इन के। अगर आपका अकाउंट नहीं खोला है आपने अभी तक एल्गो क्रैब में, तो आप साइन अप पर जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाती हैं। उन डिटेल्स को फिल करने के बाद जब आप ओटीपी से वेरीफाई कर लेते हैं अपने मोबाइल नंबर को, तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। जैसे ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाता है उसके बाद आपको जाना होता है हमारी वेबसाइट पर ऑथेंटिकेशन के टैब में, जो कि मैं आपको अभी अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ किस तरीके से ऑथेंटिकेशन के टैब में जाना होता है। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपको एक पूरा डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, और लेफ्ट साइड में मेन्यू बार्स दिखाई दे रहे हैं। उन मेन्यू बार्स में सबसे ऊपर आपको ऑथेंटिकेशन का टैब दिख रहा होगा। जब आप ऑथेंटिकेशन के टैब पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखती है। इसमें आप कोई भी ब्रोकर अटैच कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिस्ट ओपन करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग ब्रोकर हैं, 5 पैसा, आदित्य ट्रेडिंग, आनंद राठी, एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, बसंत चॉइस, कंपोजिट एज, धन एनरिच, आपका फिनडॉक, फिनवेशिया, फायर्स, गुडविल, IIFL। इसमें से कोई भी ब्रोकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी ब्रोकर को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आज आपको एंजल ब्रोकिंग के साथ एल्गो ट्रेडिंग करने का तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो कि एंजल ब्रोकिंग का आपको क्लाइंट आईडी डालना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो ये पासवर्ड मांग रहे हैं वहां पर आपको पिन डालना है, जो भी आपका मोबाइल का पिन आपने यूज किया है उसमें एंजल में डालने के लिए। और तीसरे नंबर पे आपको डालना है TOTP। TOTP के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। और अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर पे TOTP अपना जनरेट कर लिया है तो वो यहाँ पर डालना होगा। मैं अपने मोबाइल से इसको निकाल कर डालता हूँ। OTP डालने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना होगा, और अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपको गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना होगा। जब आप गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको इस तरीके से हमारी वेबसाइट पर वापस लेकर आ जाएगा। जैसे ही वो हमारी वेबसाइट पर वापस आता है इसका मतलब ये है कि हमें टोकन मिल गया है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम वापस से ऑथेंटिकेशन के टैब में चलते हैं और वहां पर वैलिडेट टोकन का बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही हम वैलिडेट टोकन का बटन प्रेस करेंगे ये हमें मैसेज देगा कि एक्सेस टोकन वैलिड। अगर आपको एक्सेस टोकन वैलिड मिल रहा है इसका मतलब आपका टोकन बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप आज ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने के लिए सक्षम हैं। ये प्रोसेस आपको एवरीडे करना होता है 8 से 9 के बीच। जिस दिन आप नहीं करेंगे उस दिन आपका ट्रेड नहीं होगा, ये चीज आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। अब चलते हैं प्लेटफॉर्म पे आगे डैशबोर्ड में, और मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रामैक्स की स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है। अगर आप यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी।
कि स्ट्रैटेजी में 9:15 से 9:30 के बीच का टाइम लिया हुआ है और 9:15 से 30 के बीच के ब्रेकआउट पे हम ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपका प्रश्न उठ रहा होगा कि ईगल ट्रेडिंग और इंट्राडे में फर्क क्या है, दोनों में एक ही चीजें आप यूज कर रहे हो। तो फर्क यह है दोस्तों कि जब आप कैंडल क्लोजिंग पे ट्रेड करते हो, यानी कि मैंने जैसे बताया आपको कि 9:15 से 9:30 की कैंडल का जो हाई या लो रहेगा, उसको जो भी कैंडल ब्रेक करती है और कैंडल क्लोज होती है तो आपका ट्रेड होता है। कई बार क्या होता है कि अच्छी खासी मूवमेंट बन जाती है और आप मान लीजिए 900 रुपए पे आपका ब्रेकआउट हुआ है और कैंडल क्लोज आपकी हुई है 1,000 पे, तो एक जो 100 रुपए का आपका डिफरेंस मिला, ये डिफरेंस कई बार काफी ज्यादा होता है और इसकी वजह से कई बार लॉसेस हो जाते हैं, प्रॉफिट कम मिलता है। तो उसके वजह से हमने क्या किया है, दोनों स्ट्रेटजीज को कैटेगराइज किया अलग अलग तरीके से। अगर आप कैंडल क्लोजिंग पे काम करना चाहते हैं तो आप ईगल ट्रेडिंग को यूज कर सकते हैं। अगर आप रियल टाइम पे काम करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट हो उसी क्षण आपका ट्रेड जो है वो प्लेस हो जाए, तो उसके लिए आपको इंट्रामैक्स की स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना होगा। इंट्रामैक्स की स्ट्रेटजी में भी सेम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, 5 मिनट की कैंडल्स पे हम लोग ये काम करते हैं, 9:15 से 9:30 के बीच का टाइम फ्रेम इसमें भी लगा हुआ है। और आपको किस तरीके से इसको अटैच करना है उसके बारे में आगे हम जानते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने स्ट्रेटजी चूज कर ली, जैसे मान लीजिए आपने इंटरमैक्स चूज कर लिया। अब आप दो तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पर। पहला तो है तरीका कि इसी को प्रीडिफाइंड स्ट्रेटजी लगा के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप चार्ट में इंटरमैक्स का इंडिकेटर लगाकर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप चार्ट में इंटरमैक्स का ट्रेडिंग का इंडिकेटर लगाते हैं तो उसका फायदा ये होगा कि अभी हमने यहाँ पर फिक्स किया हुआ है कि 9:15 से 9:30 की कैंडल, आप अपनी मर्जी से कोई भी कैंडल चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं आधे घंटे की कैंडल ब्रेकआउट, या आप चाहते हैं 45 मिनट्स की कैंडल ब्रेकआउट, तो उस तरीके से आप फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट की बात करूं तो हमने 0.25% डाला है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चार्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म यानी कि MT4 या ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप इन चीजों को करते हैं तो आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बेसिकली इंट्रामैक्स का जो इंडिकेटर है वो हमने MT4 पे बनाया है, ट्रेडिंग व्यू पे अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू से करते हैं तो आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनवा सकते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी जो आप कहेंगे हम कोड करके दे देंगे। उसके लिए हम वन टाइम डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं जो कि नॉमिनल होता है 4 to 6,000 के बीच में। उस चार्जेस पे आपका कोई भी स्ट्रेटजी जो आप चाहते हैं वो हम ऑटोमेट करके आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको सिंबल लगाना है कस्टमाइज करने के लिए, अगर आप हमारी प्रीडिफाइंड स्ट्रेटजी इंट्रामैक्स इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा अल्गो ट्रेडिंग में और वहां पर जाना होगा आपको कस्टमाइज स्ट्रेटजी के टैब में। जब आप कस्टमाइज स्ट्रेटजी के टैब में आते हैं तो वहां पर आपको क्रिएट सिंबल करना होगा। यहाँ पर जो डिटेल्स आपको दी हुई है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको भरनी है, क्योंकि इंडिकेटर इंट्राडे का है तो MIS का यूज करेंगे और बाकी की सारी डिटेल फिल करेंगे। और फिल करने के बाद हम यहाँ पर सेव चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ पर निफ्टी लिखता हूं मैं, और निफ्टी लिखने के बाद ये आप देख सकते हैं 25 मई का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर मैंने MIS किया और क्वांटिटी में मैंने 50 लिखा। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ऑर्डर जाएगा, रेगुलर ऑर्डर जाएगा, स्टॉप लॉस ऑन है और टारगेट 1 यूज किया मैंने। आप चाहें तो टारगेट 2, टारगेट 3 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं टारगेट 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको सेव यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। तो जैसे ही हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद इस तरीके से कार्ड दिखता है, उसको हमें स्टार्ट कर देना है। कार्ड स्टार्ट हो गया इसका मतलब आपकी एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। अब जब भी इसमें कोई सिग्नल आएगा, कोई ट्रेड बनेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली ट्रेड आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल तरीका है। इवन अगर आपको जानकारी नहीं है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, तो भी आप आसानी से हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स हैं और आप चाहते हैं कि आपको ऑप्शन में ट्रेड हो और एट द मनी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर ले स्ट्राइक प्राइस को और ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड कर दे, आपको चूज ना करना पड़े बार बार सिंबल, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से मूव करती है तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म पर ही एक चीज बनाई है जिसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग के टैब में हमने ऑप्शन स्ट्रेटजीज का टैब दिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन स्ट्रेटजीज का टैब मिलेगा। ऑप्शन स्ट्रेटजीज के टैब में दोस्तों आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर सिंबल क्रिएट करना होता है कि आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि कौन से मंथ की या वीक की एक्सपायरी में आपको ट्रेड करना है। तो स्ट्राइक प्राइस इसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है जैसे ही आप सिंबल क्रिएट करते हो। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये ले लेता है स्ट्राइक को, जब भी
कोई भी सिग्नल आता है, मान लीजिए 1800 पे आया, 1825 पे आया, 1825 पे आया, तो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली उसको राउंड ऑफ करके 18200 1800 इस तरह से कॉल या पुट में ट्रेड कर लेता है। और साथ ही साथ एक चीज और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आप स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं और उसमें बाय का सिग्नल आता है, तो जब भी उसमें बाय का सिग्नल आता है तो ये कॉल बाय करता है, और जब भी इसमें सेल का सिग्नल आता है तो ये कॉल को क्लोज करके पुट बाय कर लेता है। ऑटोमेटिकली इसमें ऑप्शन बाइंग हो जाती है, आपको ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये चीज काम करती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा हमारे ब्रिज टूल के सेक्शन में। ब्रिज टूल के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको मार्केट प्लेस दिखता है। मार्केट प्लेस में आप इंडिकेटर्स आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाएगा जिसको आप MT4 में डाल के ट्रेडिंग कर सकते हैं। MT4 में डाल के ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से सारे सेटिंग्स पैरामीटर्स को यूज करना है, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में सारा इंक्लूड कर देंगे तो सब घिच पिच हो जाएगा और आपको समझने में परेशानी होगी। तो उसके लिए मैं प्रॉपर एक नया वीडियो बनाऊंगा। जस्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप यहाँ से इंडिकेटर को MT4 को डाउनलोड कर सकते हैं और उस इंडिकेटर में पेस्ट कर सकते हैं MT4 के अंदर जाकर। जब आप उसे पेस्ट कर देते हैं तो आप उसको रन करेंगे तो वहां पर इनपुट्स खुलते हैं, उसमें आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस टारगेट, अपने हिसाब से टाइम रेंज, सारी चीजें सेट कर सकते हैं। मैं वो सारी चीजें आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सब चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अलग अलग चार्जेस यहाँ पर दिए हुए हैं, जो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना उस हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।